सर इस टाइम जिहड़े साडे कोल लिस्ट हैगी असीं उस हिसाब नाल भेज रहे कोई पर्टिकुलर स्कूल दी नहीं हैगी। कमिश्नर तो गल होई नहीं, बुक्स सर बाहरों मिल लिया, कोई दो तीन साल हो गए ने लगातार बाहरों मिल लिया किताबा। सर आप इस टाइम इस काउंटर के उत्ते असीं आर डी दी, क्योंकि आर डी नज़दीक है, आर डी दी रखी हुई है, बाकी डिफरेंट काउंटर्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर, उत्थे अलग अलग बुक्स स्कूल्स की दे रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कोई भी स्कूल एक दुकान तो किताबा नहीं लैन की कहेगा, जिदा मर्जी जितों मर्जी लै सक। सर वो अवेलेबिलिटी पूरी हो नहीं रही है जी, बुक्स तो इतों ही लेंदे हैं, अं हमेशा इतों ही लेंदे हैं। हाँ जी कमिश्नर तो गल हुई नहीं, बुक्स सर बाहरों मिल लिया, कोई दो तीन साल हो गए ने लगातार बाहरों मिल लिया किताबा। सर यहाँ दुकान इतों मिल रही है, पर कस्टमर चेंज हो जाते, ओनर चेंज हो जाता, बंदा ओनर हर साल चेंज हो जाता, तो इतों मिलता पिछले सर कोई होर ही यार कोई होर नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों बीते दिन ऐलान कर दिया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किताबा लैन मजबूर नहीं करेगा, तो किसी भी एक दुकान तो किताबा लैन नहीं किया जाएगा। देखते हाँ कि भगवंत सिंह मान के कही गल का कि असर है लोगों पर, कि लोग स्कूल या फिर दुकानदार इस गल कि अहमियत देंगे ने। चलते हैं किताबा वाली दुकान पर तो गल करते हैं कि किस तरीके किताबा मिलदिया प, एक ही दुकान तो किताबा मिलदियाँ पे या फिर कोई कितों भी किताब लै सकता, कि स्कूलों वाले एक दुकान एक स्कूल की ही दुकान पर जड़ा वा एक किताबा वेचते पे है, कि या फिर कोई भी कितों भी दुकान तो जड़ा वो लै सकता है। इतने दुकानदार ने गल कर लेने की ना भाजी दसो जी कि स्कूल किताबा वे। हाँ जी बुक्स वेच रहे हैं जी, ऑल ओपन वाली हैं सारी है। स्कूल सर इस टाइम जिहड़े साडे कोल लिस्ट हैगी असीं उस हिसाब नाल भेज रहे, कोई पर्टिकुलर स्कूल दी नहीं हैगी किसी दी भी। पंजाब दे मुख्यमंत्री ने कहा गया भी कोई भी एक स्कूल दी किताब या एक स्कूल दे जिहड़ा भी कोई बंदा ऑर्डर दे सकदा असीं ओहदी ओहदी किताबां अवेलेबल करा दिंदे आ एज़ इट इज़। अगर असीं कल गल करिए भी पर्टिकुलर स्कूल दी ओहदी नहीं। की नाम है? करणदीप सिंह। करणदीप किहड़े स्कूल दी किताब? आर्डी गोसला दी। ते की क्या गया भी सामने दुकान तो नहीं, उन्होंने स्पेशल नहीं किया, जितों मर्जी ला सकते हैं। कितों कितों मिलती हैं दुकान दिया एक स्कूल दिया किताबा कितों कितों? एक इधरों मिलती है, एक सिनेमा रोड है उधरों भी मिलती है। हाँ जी की नाम है? सर जगेश्वर जी। ये जी किस तरह के क्या गया किहड़े स्कूल दिया किताबा लेने? सर आड़ीगो स्कूल किताबा लेने थे। की जदों फिर बच्चे दी एडमिशन कराते हो तो की किया जाता? सर एडमिशन तो गल हो ही नहीं, बुक्स सर बाहरों मिल लिया, कोई दो तीन साल हो गए ने लगातार बाहरों मिल लिया किताबा। इसे दुकान तो ही मिलती? सर यहाँ दुकान इतों मिलनी है, पर कस्टमर चेंज हो जाते हैं, ओनर चेंज हो जाता है, बंदा ओनर हर साल चेंज हो जाता, तो इतों ही मिलती पिछले सर कोई होर ही यार कोई होर नहीं। कि समझते हो कि जो कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कोई भी स्कूल एक दुकान तो किताबा नहीं लैन की कहेगा, जिदा मर्जी जितों मर्जी लै सकते? सर वो अवेलेबिलिटी पूरी हो नहीं रही है जी, जब बुक्स हर थान मिल जाने कोई कोई गल नहीं फिर हैगी। सर हूँ तरीका जो चलन डाया वही चलन डाया, जो जो तरीका बदलाव होना चाहिए। हाँ सर बदलाव चाहिए जी। की नाम है जी? हरजिंदर कौर। किहड़े स्कूल दी किताबां लैणा? आड़ी घोसला। जदों फिर एडमिशन कराई तो की कहिंदे कित्थों किताबां लवो? बुक्स तो इत्थों ही लैंदे आ अं हमेशा इत्थों ही लैंदे आ। हाँ जी की समझ दो जिहड़ा मुख्यमंत्री वल्लों ऐलान किया गया भी एक दुकान तो नहीं कितों भी लै सकते हो, इह किन्नी गल सही? गल तो उस तरह सही है। हाँ जी पर शुरू तो कहते हैं कि इतों ही मिलती है बुक। हाँ जी दुकानदार ने एक बार फिर गल करते जिन्हें भी इतने पेरेंट्स आए थे सारे कहते कि आर डी खोसला दी और कहा जाता कि इतों ही मिलती हैं। सर असी नहीं किया जी किसी भी ना, असी लिस्ट लगाई हुई हैं सब कुछ है, जी बुक साढ़े को अवेलेबल हैगी है, लिस्ट लगी हुई है, जोड़ा कोई लैना चाहता विलिंग है वो लै सकता, किसी और स्कूल की भी कोई चाहता है वो भी अवेलेबल कराते हैं बट ओन ऑर्डर। वैसे आर डी खोसला दी अवेलेबल ने तो जो कोई होर स्कूल दी हर स्कूल की लिस्ट लगी होंगी उन्होंने स्कूल के प्रिमसिस के अकॉर्डिंगली लिस्ट आदि बुक्स आदि असं जी साढ़े को अवेलेबल हो जाए असं प्रोवाइड करते हैं दैट्स ऑल, होर किसी की अवेलेबल नहीं कराते। वैसे तो आर डी अवेलेबल सर आ इस टाइम इस काउंटर के उत्ते असं आर डी दी, क्योंकि आर डी नज़दीक है, आर डी दी रखी हुई है, बाकी डिफरेंट काउंटर्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर, उत्थे अलग अलग बुक स्कूल्स की दे रहे हैं। दुकानदार ने और गल की जाए तो मापे जिन्हें भी इतने आए हैं सारे आखते हैं कि इतने केवल एक स्कूल दियाँ ही दुकान दियाँ स्कूल दियाँ जड़ियाँ किताबा एको ही दुकान तो मिलती पईयां ने, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने हुक्म जारी कर दिते भी किसी भी एक दुकान तो लैन की बजाय तुसीं कितों भी लै सकते हो, पर मापे भी मजबूर ने क्योंकि एको दुकान तो ही यह किताबा मिलदियां ने। हुण देखण वाली गल है कि कदों पंजाब के मुख्यमंत्री के हुक्मां की पालना होएगी,
ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਨੇਕੀ ਰਾਮ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਚ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਲੁਥਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ।